नमस्ते। ब्लड शुगर ज़्यादा होने से हमें ज़्यादा प्यास लगती है, ज़्यादा भूख लगती है, ज़्यादा बार यूरिन होता है, वजन कम हो जाता है और कमजोरी लगती है। इनके अलावा डायबिटीज़ से डायरेक्टली और कोई विशेष तकलीफ नहीं होती है, पर हाई ब्लड शुगर से शरीर के प्रायः सभी ऑर्गन्स धीरे धीरे खराब होने लगते हैं और तकलीफों का अंबार खड़ा होने लगता है। याद रखें, तकलीफ काफ़ी समय तक भोगने के बाद ही शरीर का अंत होता है। एक भूल के कारण लंबी समय की तकलीफ और जीवन का अंत से हमें भुगतान करना पड़ता है। भविष्य के बारे में विचार कर इसका समुचित इलाज करें। बाद में पछताने के अलावा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। कहां कहां से तकलीफ आ सकती है, आइए जानें। नंबर 1, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक्स डायबिटीज़ में बहुत कॉमन है। डायबिटीज़ में सबसे ज़्यादा इन्हीं की वजह से डेथ होती है। नंबर 2, किडनी यानी गुर्दे कुछ समय बाद धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं, फिर डायलिसिस का सहारा लेकर कष्ट भरी जिंदगी बिताते हैं हम। दूसरा सबसे बड़ा कारण डेथ का यही है। नंबर 3, आँख पर धीरे धीरे डायबिटीज़ का असर आने लगता है और रोशनी से हम हाथ धो बैठते हैं। नंबर 4, यूरिन के रास्ते में इन्फेक्शन बराबर जीवन में परेशान करती है अगर डायबिटीज़ का हम ठीक से इलाज न करें। शरीर में कहीं भी इन्फेक्शन होने से डायबिटीज़ के चलते इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में असुविधा खड़ी हो जाती है। नंबर 5, हाथ और पाँव में झंझनाहट और सुन्नता होने लगती है। कुछ सालों के बाद खड़े होने से चक्कर भी आने लगते हैं। नंबर 6, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ में प्रेगनेंसी में चाइल्ड बर्थ डिफ़िकल्ट हो जाता है। नंबर 7, नर्व और ब्लड सप्लाई में खराबी होने के चलते गैंग्रीन होने लगते हैं। नंबर 8, इम्पोटेंसी या सेक्सुअल प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन है। नंबर 9, कई प्रकार के साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स माने मानसिक रोग सामने आने लगते हैं। नंबर 10, ब्रेन की खून की नलियों में हेमरेज और क्लॉट डेवलप होने लगते हैं। नंबर 11, पाचन क्रिया पर भी डायबिटीज़ का असर पड़ता है। नंबर 12, गॉल ब्लैडर में स्टोन का भी यह एक बहुत बड़ा कारण है। डायबिटीज़ की बीमारी को इग्नोर करना बाद में बहुत महंगा पड़ता है। आज बस यहीं ख़त्म करते हैं। बेस्ट ऑफ लक।